सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम अर्जुन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव इसमें आज हमें देखने को मिला है। अगर हम लाइव मार्केट की बात करें तो काफ़ी कुछ अच्छा आज हुआ है इसमें, तो काफ़ी कुछ उम्मीदें इससे बढ़ गई है। फिर से इसके भयंकर गिरावट हुई थी, उसके बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी रिकवर करेगा, बट ये रिकवरी की कगार पर आ गया है। तो गाइस पूरा एनालिसिस करेंगे, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स एक मल्टी बैगर मार्केट लीडर स्टॉक है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 310.10 रुपये। वो 0.55 रुपये से इसका बढ़त देखने को हमें मिल रही है, 0.18% बढ़ता हमें दिख रहा है। तो अच्छा खासा 5 दिन की अगर बात करूँ तो अच्छा उछाल इसमें देखने को मिला है, 5 रुपये स्टॉक बढ़ा है। और 1 महीने की बात करूँ तो आपको जहाँ से 346 रुपये से जो गिरावट इसमें दिख रही है, ये बेहतरीन डरावनी गिरावट हम इसे कह सकते हैं। बट उसके बाद इसमें जो रिकवरी आएंगी, मैं वो रिकवरी कैसे आएगी मैं बताता हूँ आपको। तो बताऊंगा मैं पूरा जो इसका जो एनालिसिस मैं पूरा करूँगा। 6 महीने की अगर बात करूँ तो 64 रुपये स्टॉक बढ़ा है। अगर 1 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हो 207 रुपये स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम बात करें 5 साल की तो पूरा ये जाएगा 400-500 तक तो ईजिली जाने वाला है, कुछ इस प्रकार का इसमें पैटर्न बन जाएगा। और अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो गाइस इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 1.10 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि अच्छी बात है, कोई डैप नहीं रखता अपने ऊपर। और 360.75 इसने आज हाई भी लगाया था। तो सीधा इसके चार्ट पर आते हैं, सीधा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं इसमें क्या होने वाला है। मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए, मैं सीधा उन पैटर्न्स के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देख लो गाइस, पैटर्न पे आ गया, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम आ गए। और ये जो पैटर्न दिख रहा है ये है राइजिंग वेज, और यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ था, जो डरावनी जो ब्लड बात हम कह सकते हैं, जो रेड कैंडल है यही है ब्लड बात। क्या रेड कैंडल बनी थी और क्या इसमें गिरावट आई थी, तो काफ़ी कुछ लोग डर गए थे, काफ़ी कुछ इसका नाम चला था कई दिनों तक, टाटा मोटर्स गिर गया ऐसा नाम चला था। तो गाइस डरने की बात नहीं है, वैसा ही पैटर्न इसमें भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। बट देखते हैं अभी क्या होता है। इस पैटर्न के हिसाब से हम अगर देखें तो यहाँ से इसे गिरावट देखने को मिली थी, रिट्रेस करके सीधा नीचे की ओर आ रहा था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट हमें दे दिया, अगर इस पैटर्न पर हमें एक मिनट में ऐसा लंबा कर देता हूँ, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हमें मिल गया इसी जगहों पे, तो क्या बूम देखने को मिल सकता है, सीधा स्टॉक बढ़ सकता है। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिख रही है बाइंग के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि जो हमने पैटर्न बनाया था पहले उसके हिसाब से मैंने बोला था कि अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा था कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता तो काफ़ी ऊपर तक ये जा सकता है, बट इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया। हमने दोनों तरफ इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ थी कि ये दोनों तरफ ही ब्रेकआउट दे देगा, बट इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया और नीचे की ओर ये स्टॉक आया। तो हमने बोला था कि जिस भी डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट मिलता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट बता सकता है। और वही बात मैं अभी इस वाले जो अभी मैंने न्यूली जो पैटर्न बनाया है वही पैटर्न मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि ऊपर भी ब्रेकआउट मिल सकता है और ऊपर जा सकता है, अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे आ सकता है, तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर भी अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो ये नीचे की ओर आ सकता है, 200-250 रुपये तक भी ये नीचे आ सकता है। बट वेट करना होगा इन दोनों पैटर्न्स के बीच। अगर आप अपने वॉच लिस्ट में इस शेयर को रखते हो तो कुछ इसी प्रकार का आप पैटर्न बना लीजिए जैसा कि मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ करके रखा है। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी कुछ हायर हाइज हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें 1 वीक टाइम फ्रेम पर तो इसमें देख सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिख रही है। हम बात करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर दिख सकती है, तो बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो आप देख सकते हो जो इसका हाई की हम बात कर रहे हैं, इस वाले हाई की 483 का हाई है, तो इसमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न भी हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है, यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिख सकता है, ऐसा वाला।
यहाँ पर ये टच करने की कोशिश करेगा कुछ दिनों में, तब तक ये 200 तक भी जा सकता है और इस लेवल तक भी ये स्टॉक आ सकता है अगर देखने जाए तो, क्योंकि ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया और नीचे आ सकता है, डबल बॉटम जैसा पैटर्न ये स्टॉक बना सकता है। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है और उस चैनल के उस हिसाब से बात करें तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर इस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये टच करने आने वाला है, या फिर हो सकता है यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर बनती हुई दिख रही है कि यही से ये आप देख सकते हो ऊपर गया नीचे आया सपोर्ट लिया ऊपर गया सपोर्ट लेके सीधा ऊपर की ओर भी जा सकता है, बट देखना होगा कि इसमें क्या होता है आगे। सो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।